फ्रेंड्स, बाम अक्सर सभी के घरों में होता है और इसका इस्तेमाल हम शरीर के किसी भी अंग में जकड़न या दर्द को कम करने के लिए करते हैं और इसे लगाने से 10 मिनट के अंदर राहत भी मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं जिससे इतना जल्दी राहत मिल जाता है और क्या इन्हें घर पर बनाना पॉसिबल है। तो चलिए हम देखते हैं आखिरकार इसे फैक्ट्री में बनाई कैसी जाती है। फ्रेंड्स, टाइगर बाम एक एंटीसेप्टिक जेल है जिसे बहुत बारीकी एवं सफाई से बनाई जाती है। तो बाम की शुरुआत हनी यानी शहद को गर्म करने से होती है। इसे हीटर कंटेनर में डालकर गर्म कर लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर मोटापन आ सके, और फिर इस गर्म शहद को स्टील के बर्तन में निकाल लिया जाता है। और फिर इसे दूसरे जार में निकाल लिया जाता है क्योंकि इसमें और भी मेडिसिन मिलानी होती है। जैसे शहद के वेसल में बालसम ऑयल को डालकर पूरी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। इसे इसमें इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये ठंड एवं कफ को कम कर देता है। और फिर अगले स्टेप में रोजमेरी वर्बेनॉन ऑयल को डाला जाता है। इसका इस्तेमाल बॉडी में ब्लड की बहाव को तेज करने के लिए होता है। और फिर अगले स्टेप में जिंजर CO2 को डाला जाता है। इसका उपयोग हेडेक्स को कम करने के लिए होता है। और फिर जिंजर ऑयल को डाला जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हीट को उत्पन्न करने के लिए होता है जिसको लगाने से जल्द राहत मिल सके। और फिर अगले स्टेप में बेरगामोट ऑयल को डाला जाता है। इसका इस्तेमाल दाग धब्बे को भरने के लिए होता है। और इन सारे मेडिसिन को एक रेशियो के अकॉर्डिंग डाला जाता है। और फिर लास्ट में लेवेंडर ऑयल को डाला जाता है। इसका इस्तेमाल जले हुए स्किन को रिकवर करने के लिए होता है। और फिर लास्ट में विर्गिन ओलाइव ऑयल और कैस्टोर ऑयल में इन सारे बने हुए इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जाता है। अब ये बाम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब दूसरे वर्कर के द्वारा इसे टेस्टिंग करने के लिए ले जाया जाता है। ये टेस्ट पूरे 20 मिनट के होते हैं। जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाता है तो इन सारे बाम को पैकिंग करने के लिए ले जाया जाता है। तो इसे पैक करने के लिए सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पे छोटे छोटे ग्लास के जार को उतारा जाता है और फिलिंग मशीन के द्वारा इसे ऑटोमेटिकली फिल कर लिया जाता है। और फिर कन्वेयर बेल्ट के द्वारा दूसरे जगह ले जाकर इसे कुछ समय के लिए सुखाया जाता है। जब पूरी तरह से सूख जाता है दोबारा इसे कन्वेयर बेल्ट पे लगाकर और फिर दूसरे वर्कर के द्वारा इसमें कलर डाल लिया जाता है और फिर आगे की तरफ ले जाकर इसके ऊपर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है और कैपिंग मशीन के द्वारा इसके ऊपर कैप भी लगा दी जाती है। अब बारी आती है कवर को लगाने की। ये भी ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा ही लगाया जाता है। बाम पूरी तरह से बन जाने के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट से उतार कर छोटे छोटे बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इस तरह से अपना टाइगर बाम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह से टाइगर बाम को अलग अलग डब्बों में पैक किया जाता है। इसे पैक करने के लिए सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पे स्टील के डब्बों को उतारा जाता है और फिर फुली ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा इसमें जेल को भर दिया जाता है। जेल फिल हो जाने के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट पे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये पूरी तरह से सॉलिड बन जाता है इसके ऊपर कैपिंग करने के लिए ले जाया जाता है। इस तरह से अपना कैपिंग मशीन के द्वारा इस पे कैप को लगाकर पूरी तरह तैयार किया जाता है और फिर पैक करके मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए जो कि इससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए हम लाते रहें।